आदमी जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उसको उसके अपनी मुआवजा नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर अभी हमारी जो खजूर है, बेगम जंगी जो वैरायटी है जिसको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं, वो यहाँ पे एक टन जो ट्रेडर लेता है वो 25,000 उससे लेता है, और इंटरनेशनल मार्केट में यही खजूर तकरीबन $800 में बिकती है। अभी जो हमारा किसान है या हमारा देहकान है, वो बेचारा पूरा साला साल इस पर मेहनत करता है। ये जो प्रोसेस है, मैं आपको इसका प्रोसेस पहले बताता हूँ। वो हर दरख्त पे अलग अलग चढ़ के, आपको अंग्रेज़ी में उसको स्पेत कहते हैं, बलूची में गुश कहते हैं, वो पोलन अंग्रेज़ी में, उसको पोलन दे के उसके बाद वो फ्रूट बनती है। ये हर दरख्त पे अलग अलग उसको चढ़ने की ज़रूरत होती है। ये एक बहुत तकलीफ दे मरला है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इस्तेमाल होती है, उसमें ख़र्चे भी आते हैं। इसके अलावा साला साल ज़मींदार उसको पानी देता है और उस दरख्त को वक्त देता है, उसके बाद जब फसल तैयार होती है उसको जो बेगम जंगी दरख्त है उसमें 5-6 मरतबा चढ़ने उतरने की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसको ले के फील्ड में रख के सन ड्राई उसको करता है, उसके बाद उसको पैक करता है, फिर वो मार्केट में जाती है। फिर भी इस सारे प्रोसेस में, इस मेहनत में, उस ज़मींदार को एक मन के जो 1,000 या 1,200, ज़्यादा 1,500 रुपये मिलते हैं ज़मींदार को, ये उसके लिए कुछ नहीं बनता ज़मींदार के लिए। साला साहब जो मेहनत वहाँ पे करता है मगर उसकी उसको समर नहीं मिलती।